वैसे ऐसा जी, एक एक तारीख को हमारे चाचा जी घर से ठीक ठाक अर्पणा हॉस्पिटल में आए। उन्होंने अपने नॉर्मली टेस्ट करवाए हुए थे, तो किसी डॉक्टर ने बोल दिया कि आप अर्पणा हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ जाके आप अपनी दवाई ले लो। हालांकि उनका कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ा हुआ था और कुछ नहीं था। वो उन्होंने अकेले गाड़ी चलाई और यहाँ पहुँच गए। आके उन्होंने डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखाई, रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर साहब ने ये बोला कि आपकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, आपको एडमिट करना पड़ेगा तुरंत, आपको ऐसी हालात हो रहे हैं कि आपका कभी भी डेथ भी हो सकती है, इतना डरा दिया उनको, लास्ट स्टेज आपकी। तो हमारे चाचा ने तो अकेले आए हुए थे घर से, उन्होंने हमारे को फ़ोन करा भी ऐसे ऐसे करके डॉक्टर ये बता रहे हैं। हम भी घबरा गए, अचानक भी हमारा बंदा अचानक ठीक ठाक गया तो ये क्या दिक्कत होगी। जैसे हम 20-25 मिनट में यहाँ पहुँच गए, पहुँचने के बाद हम डॉक्टर अपना वहीं ऊपर आईसीयू में चले गए। आईसीयू में जाते हुए हमने क्या देखा, हमारे पेशेंट को बेहोशी का टीका लगा के और ऑक्सीजन लगा रखी है। ऑक्सीजन लगा के फिर उनको मैंने चाचा जी को अपने हिलाया उलाया भी, वहाँ भी डॉक्टर अपना चाचा जी क्या दिक्कत है, बोला मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ कोई दर्द हो रही है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। हमने डॉक्टर को बोल के हमने इनको छुट्टी करवा ली और प्रेम हॉस्पिटल में ले जाके हमने इनका पूरा ट्रीटमेंट करवाया। एक दिन में ट्रीटमेंट करा, टोटली रिपोर्टें नॉर्मल आ गई। आज हमारा आने का यहाँ सबसे पहले यही मकसद था कि लोग यहाँ आके लुट पुट रहे हैं, लोगों से संस्था के नाम पर लाखों रुपए ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जो डॉक्टर है ये क्या नाम है, अश्विनी सक्सेना, जो इन लोगों को बिना मतलब डरा धमका के पैसे ले रहा है, इसकी भी सरकार जांच करे। हाँ जी, कम्प्लेंट करेंगे हम अपना सीएमओ साहब को अभी करनाल जा रहे। हम इनको बड़े शांति से मिले और उन्होंने हमारे को बोला भी आप चार आदमी अंदर आके डॉक्टर साहब मिलो। तो इनके जो एक दो बाउंसर हैं वो हमारे साथ, तो उन्होंने करनी थी, तो मीडिया के साथी जो यहाँ अचानक पहुँच गए कोई कवरेज करने के लिए अचानक आए हुए थे, उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। हमारे साथ तो उन्होंने करनी थी, जो उन्होंने दबानी थी बात, और अपना हम अब इसकी कार्रवाई हम सीएमओ साहब को डायरेक्ट जाके मिलेंगे। इन्होंने पर्ची का दवाई लेके 4,500-5,000 रुपए की, और हमने जैसे 15-20 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल पहुंच गए। 15-20 मिनट में आप जाके अपने चेक ले लो, बात हो, मैं कहीं जाऊँ खुद से इलाज करवा लूँ अपना। तो जब तक मैं कहता हूँ, मैं ये आदमी है, मुझे बुलाया गया है, बताओ जब मेरे कान में कोई बात। अरे तेरे कान में तो कुछ भी नहीं आती बात, क्या का डॉक्टर है तुम, अगला तेरे में रात ने बिल्कुल काम कर देना, खाली होगा बेड दिखा। लगता है ये पेशेंट जो है एक कहीं से आए थे दिखा के और यहाँ आए थे सीने में दर्द करके। अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि इतने सारे पेशेंट आते हैं रोज, तो मैंने इनको पेपर मांगे थे, पेपर इन्होंने दिखाए नहीं मुझे, और उसमें इनके शायद ईसीजी में कुछ चेंजेस थे और इनको गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसकी एंडोस्कोपी मैंने करी थी, एंडोस्कोपी में जो रिपोर्ट आई थी वो भी मैंने इनको दे दी थी और इनके अटेंडेंट्स को सामने दिखा भी दिया था टीवी के, क्योंकि हम विदाउट अटेंडेंट एंडोस्कोपी नहीं करते हैं और अटेंडेंट सामने देखते रहे, वो जो जो उसमें आ रहा था टीवी के अंदर और इन्हीं के फादर के पेट में जो जा रहा था दूरबीन कैमरा उसी से उनको वो दिखाई भी दे रहा था। ठीक है, और जो उनके ईसीजी में कुछ चेंजेस थे उसके लिए मैंने इनको
कहा था कि अंडर ऑब्जर्वेशन आप रुक जाइए और हम आपको ऑब्जर्व कर लेते हैं और बस इसके लिए ऑब्जर्व किया था। यहाँ तो केवल ECG और एंडोस्कोपी हुआ है बस, और कोई टेस्ट नहीं हुआ है यहाँ। और कोई टेस्ट उन्होंने करवाई कब? तो वहाँ ECG वगैरह हुई है? नहीं, ECG में तो यहाँ एबनॉर्मल थी, यहाँ पे एबनॉर्मल ECG था। अब वो ECG तो उनसे मांग रहा हूँ, वो दिखा नहीं रहा है। एडमिट करने का कारण? एडमिट नहीं किया था, अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था। ठीक है, हाँ जी। तो भाई ये तो ऐसा है ना, हम किसी मरीज के घर भी नहीं जाते, बुलाने का तकलीफ होती है, मरीज तभी आता है, तभी आता है। उनको तकलीफ थी सीने में, ओल्ड एज थे, अब वो बाद में ठीक होगा, डिनाई करें कुछ भी करें, वो उनका हक है। जो ये टेस्ट, हर आदमी फ्री है अपने अपने विचार रखने के लिए। किसी लैब की टेस्ट रिपोर्ट ले गए? हाँ, लाल पैथोलॉजी की रिपोर्ट थी, उसमें इनके प्लेटलेट काउंट कम थे। एक रिलायबल लैब है, प्लेटलेट काउंट कम थे, इसनोफिल काफ़ी बड़ा हुआ था। मैंने उनसे पूछा भी था कि सीने में दर्द आपके होगा, उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा मुझे गैस्ट्राइटिस होती है, मैंने होस्ता गैस्ट्राइटिस की वजह से सीने में दर्द हो, एंडोस्कोपी भी किया, ECG भी किया, दोनों चीज़ें की थी। तो इनका आरोप है कि इनको ICU में रखा गया है। ऑब्जर्वेशन ICU में ही करते हैं। ऑब्जर्वेशन ICU हाँ, ऑब्जर्वेशन ICU बोलते हैं।